देश के पहले अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों रखी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश आकर खुशी जाहिर की और प्रदेश सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को डायनामिक भी करार दे दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो जाहिर है कि ये संस्थान उनकी परिकल्पना और आशाओं पर खरा उतरेगा। मुझे आज अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एक अच्छी पहल है। इस संस्थान की स्थापना के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को, खास करके उनके डायनामिक मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी के जरिए ही समाज और राष्ट्र का विकास हो सकता है। जिस तरह दूसरे देश अपनी भाषा के जरिए अपना नाम कमा रहे हैं, ठीक उसी तरह देश में भी हिंदी के जरिए प्रगति की जा सकती है। सरकार तथा जनता के बीच भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम की सफलता भाषा पर निर्भर करती है, इसीलिए हमें हिंदी तथा सारे क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी राष्ट्र को जोड़ने के हिंदी का अहम योगदान है। भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है हिंदी। करीबन 50 एकड़ की जमीन पर बनने वाले इस हिंदी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया है और उसी के साथ पूरा हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प भी। इस विश्वविद्यालय में मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक सभी पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी, साथ ही दूसरी भारतीय भाषाओं का अनुवाद भी हिंदी में कराया जाएगा। खासतौर पर देश के राष्ट्रपति के हाथों इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन भी हुआ है।